हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, नारकंडा में गिरी बर्फ तो मनाली में हुआ स्नोफॉल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बदला मौसम, गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, गंगोत्री धाम परिसर में बिछ गई बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के चमोली जिले में मेहरबान हुआ मौसम, औली में फरवरी महीने में खूब बर्फबारी हुई, बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगे सैलानी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सौगात लेकर आया फरवरी महीना, गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई, गुलमर्ग ने उड़ी सफेद चादर। बर्फ की सफेद चादर में ढकी करगिल की पहाड़ियां, पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ ही बर्फ, पर्यटन कारोबारी कर रहे थे काफी समय से बर्फ का इंतजार। जोजिला में हुई जबरदस्त बर्फबारी, भारी बर्फबारी के कारण जोजिला के पास NH-44 बाधित हुआ, रोड पर बर्फ जम जाने से आवाजाही में समस्या। फरवरी महीने में आकर लद्दाख में बदला कुदरत का मूड, पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के कारण सफेद नजर आ रही वादी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ, देर से हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार प्रभावित। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर, पुंछ में हुई जबरदस्त बर्फबारी, न्यूनतम तापमान में आई काफी गिरावट। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी को लेकर LOC पर अलर्ट, बॉर्डर पार से घुसपैठ की आशंका लेकर BSF ने बढ़ाई चौकसी। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज, विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। झारखंड विधानसभा परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा, विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, 6 फरवरी रात 10 बजे तक लागू रहेगी धारा 144। हैदराबाद ना जाने पर बोले JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रे, कहा सदन में भी बिक सकते हैं बिकने वाले, हैदराबाद जाने से इंकार किया। झारखंड BJP उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही बोले झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही मौजूदा सरकार। झारखंड में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ी सियासी हलचल, फ्लोर टेस्ट से पहले BJP विधायक दल की बैठक हुई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद भेजे गए कांग्रेस के विधायक, 12 फरवरी को नीतीश को विधानसभा में साबित करना है बहुमत। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले अपने विधायकों को घुमाने के लिए हैदराबाद ले गई कांग्रेस। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का लालू यादव पर हमला, कहा बिहार में भ्रष्टाचार के प्रतीक है लालू यादव। संतोष मांझी का एक्स पर पोस्ट, लिखा उनके इस्तीफे की खबर बेबुनियाद, NDA के साथ था और रहूंगा, सत्ता से ज्यादा बिहार की परवाह। RJD प्रवक्ता ऋषि मिश्रा बोले कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी पर जोर तोड़ के सियासत का आरोप। JDU के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का बयान, विश्वास मत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार के पास पर्याप्त सदस्यों का समर्थन। शहनवाज हुसैन के निशाने पर RJD, कहा नीतीश ने RJD को छोड़कर फिर से BJP का दिया साथ, काम नहीं आई RJD की घुसपैठ। जीतन राम मांझी का मास्टर स्ट्रोक, सरकार में 2 मंत्री पद की रखी मांग, पार्टी प्रवक्ता विजय यादव बोले राजनीति संभावनाओं का खेल। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का बयान, जीतन मांझी की मांग पर नीतीश कुमार को करना है फैसला। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रहेगी चर्चा, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब, जम्मू कश्मीर को लेकर डिमांड और ग्रांट पर अपना बयान सदन में रखेंगी। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा नकल विरोधी बिल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में बिल पेश कर रखेंगे अपनी बात। संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ED को लेकर सरकार पर हावी, विपक्ष ने सरकार पर ED के दुरुपयोग का आरोप लगाया। MLA की खरीद फरोख्त के आरोप में मामले में आज आप देगी जवाब, CM केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच के नोटिस पर देना है जवाब। MLA की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर बोला हमला, कहा केजरीवाल और उनके मंत्री झूठ बोलने में माहिर। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप नेता आतिशी ने कहा क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया गया, मेरे घर नोटिस देकर आए लेकिन उसमें कोई धारा नहीं। दिल्ली LG विनय कुमार ने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर CM केजरीवाल को लिखा पत्र, अस्पतालों की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट। CM केजरीवाल का LG विनय कुमार को जवाब, बोले बड़े अधिकारी और मंत्रियों की बात नहीं सुनते।
करते, इसी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में समस्या। आज से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र, उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल, धामे कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। आज यूपी में विधानसभा में पेश होगा वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 25 तक का राज्य का बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा जिंदगी मौत से जूझ रहे राम भद्राचार्य को जाना चाहिए राम मंदिर, वहां जाते तो उनका इलाज हो जाता। यूपी के कौशाम्बी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, काफिले का घेराव किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, कहा बीजेपी से जुड़े भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही ईडी, विपक्ष को किया जा रहा परेशान। 3 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, हैदराबाद महाराष्ट्र की औरंगाबाद और बिहार के किशनगंज सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्य शासन में केंद्र का हस्तक्षेप संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता। झारखंड के बोकारो में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा देश में नफरत और अन्याय फैला रही बीजेपी आरएसएस। 7 दिनों में सीएए लागू होने की गारंटी देने वाले मंत्री शांतनु ठाकुर ने बदला बयान, कहा लोकसभा चुनाव से पहले सीएए देश में होगा लागू। केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने प्रकाश अम्बेडकर को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया, कहा एमवीए में प्रकाश अम्बेडकर का हो रहा अपमान। आंध्र प्रदेश में जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण ने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव पर दोनों नेताओं ने चर्चा। यूपी के फतेहपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अनुप्रिया पटेल, कहा सरकार पिछड़ों के लिए बनाए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा न होने से राजस्थान में हारी कांग्रेस। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष ने वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग। दिल्ली शराब नीति में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, आज राउज ओवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, आप कांग्रेस ने दायर की है याचिका। गुजरात में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर मानहानि केस का मामला, तेजस्वी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमित कात्याल की जमानत अर्जी पर राउज ओवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। गुजरात पुलिस की 2 दिन की ट्रांसिट रिमांड पर मुफ्ती सलमान अजहरी, भड़काऊ भाषण मामले में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी। गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के बदले तेवर, समर्थकों से बोले प्रदर्शन करने के बजाय बरते संयम, मैं नहीं हूं अपराधी। अजहरी की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों का हंगामा, गिरफ्तारी के विरोध में घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया यौन उत्पीड़न के आरोप, छात्रा ने वीडियो के जरिए लगाई न्याय की गुहार। यूपी के गोरखपुर से पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया, तीनों के खिलाफ कई मामले दर्ज। एमपी के नीमच में शराब कारोबारी पर अज्ञात हमलावरों ने किया जानलेवा हमला, जवाबी फायरिंग में 1 हमलावर की मौत, दूसरा घायल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, नशे के सौदागर ने पैसे न मिलने पर खरीदार की हत्या। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया, भूमि पैमाइश के विवाद में हुई थी हत्या, आरोपियों ने सरेंडर। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने गोल्ड स्मगलर को किया गिरफ्तार, स्मगलर के पास से सोने के तार और एक गोल्ड चेन बरामद की। ओडिशा के कंधमाल में गोलीबारी में 1 माओवादी की मौत, 1 सुरक्षा जवान घायल, हमला करने की योजना बना रहे थे माओवादी। राजस्थान के सिरोही में 2 वाहनों की हुई टक्कर, आमने सामने टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 1 शख्स की जिंदा जलने से मौत। सिरोही में नेहरू नगर के सामने हाईवे पर हुआ हादसा, आग लगने से दोनों वाहन जलकर खाक हुए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
पंजाब के संगरूर में नहर में गिरी गैस सिलेंडर से भरी पिकअप, पानी में तैरते दिखे गैस के सिलेंडर, चालक की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पालघर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत, तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी। तमिलनाडु के तिरुनी लवेली में ट्रेन पर पथरा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर मारे गए पत्थर, कोच के विंडो के शीशे भी डैमेज हुए। कोलकाता में हुआ विंटेज कार बाइक रैली का आयोजन, देखने के लिए उमड़े लोग, रैली में 100 साल से ज्यादा पुरानी 80 कारें शामिल। बिहार के मोतिहारी के लड़के से हुआ इंडोनेशिया की लड़की को प्यार, सात समंदर पार आकर शादी रचाई। अयोध्या पहुंची ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मुकदमे की दो वादिनी, भगवान श्री राम से काशी के लिए प्रार्थना।